नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिवनी, विगत दिनों सामाजिक कार्यकर्ता सिवनी मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर गोपालगंज पंचायत के दतनी में वृद्ध दंपत्ति जंगल में झाड़ के नीचे निवास करते थे। वहां पर पहुंचकर सोशल वर्कर्स संगठन ने वृद्ध दंपत्ति को खाने पीने के सामान के घरेलू व आर्थिक मदद का सहयोग किया था और सामाजिक कार्यकर्ता की मदद करने के बाद मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास ने संज्ञान में लेने के बाद गोपालगंज पंचायत भवन में वृद्ध दंपत्ति को शरण दी और पंचायत के माध्यम से वृद्ध दंपत्ति को सरकारी जमीन पर घर बनाकर देना है। दोबारा सोशल वर्कर्स संगठन वृद्ध दंपत्ति से मिलने दतनी पहुंचे और उनका हालचाल पूछा गया। वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि आपके प्रयासों के बाद से पंचायत हमारे लिए घर बना रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मकान बनाने के लिए गड्ढे भी हो चुके हैं, जल्द ही मकान तैयार हो जाएगा। यानी तुम आए थे? हाँ, ये लोग आए थे। हाँ, बाकी नहीं आए कोई? अच्छा, ये लोग आए थे? नहीं आए कोई, बाकी नहीं आए। सोशल वर्कर शंकर सिवनी से आए थे? हाँ, सिवनी से आए थे, है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सलमान। फिर उन्होंने क्या किया आपके लिए? हाँ, मकान बना के देगी तो उसमें रहोगे ना? धुएं में रहूंगा मैं? धुआं नहीं देती तो मैं वहीं रहूंगा मैं तो। हाँ, जब तक यदि मकान बना के नहीं देगी तो उनको पंचायत में डटे रहने देना, सोच लेना। हाँ, बिल्कुल, वहाँ से हटना नहीं, क्योंकि आपको सोशल वर्कर शंकर सिंह पहले जब झाड़ के पास आप रह रही थी, है ना, उसके बाद से फिर अधिकारी लोग आए। हाँ। उसके पहले कोई अधिकारी नहीं आए थे, है ना? मतलब सिवनी से जब बच्चे लोग आए थे आपसे मिलने, उसके बाद से फिर सब लोग आने लगे और उन्होंने फिर आपको ले जाके पंचायत में रख लिया और बोले कि हम आपको मकान बना के देंगे, है ना? तो जी, आपका मकान बन रहा है? और जब तक आपका मकान नहीं बनेगा जब तक आप पंचायत में ही रहना, वहीं रहेंगे हम, आते कि नहीं लेगा तुमने कहा लाए? हाँ हाँ हाँ, कल आए हम तो यहीं रहेंगे। हाँ, बच्ची मेरे पालेगी। मकान देव बांध के हमें तो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वहीं रहता हूँ। झाड़ के पास क्यों रह रहे थे इतने सालों से? मकान नहीं था इसलिए। आधार कार्ड है आपका? बन गया था? नहीं, वहाँ बनाया। बन गया। अभी बना है? अभी बना। उसके पहले नहीं बनाए थे? नहीं। जो गरीब व्यक्ति है इनकी जानकारी कैसे लगी आपको? मेरा खेत उधर, मैं रोज जाती थी इधर सुबह टाइम। हाँ। देखती थी। हाँ। फिर सोशल वर्क संगठन से ज्वाइन हुआ मेरा। हाँ। ज्वाइन करे। हाँ। और फिर सोशल संगठन वाले को बताया मैंने, फिर आए वो यहाँ पे राशन वितरण किए, फिर न्यूज़पेपर में छपा और फिर उसके बाद फिर अधिकारी लोग जागे। हाँ। और यहाँ आपके दतनी और गोपालगंज के सरपंच सती सब जागे, पटवारी लोग। हाँ। इसके बाद इन्होंने मकान के लिए स्वीकृत की। हाँ। और अभी मकान नहीं बना, नहीं अभी बना। ये कहाँ रह रहे हैं? ये लोग अभी पंचायत में रह रहे हैं। अच्छा, मकान के लिए क्या बोले हैं, कब तक बनेगा? एक महीने के अंदर बोल रहे हैं, पता नहीं बन रहा कि एक महीने। मतलब मकान बना के सरपंच सचिव देंगे, है ना? ऐसे मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सबसे पहले सोशल वर्कर संगठन ने इस कदम को उठाया जिससे अधिकारी जागे। खबर समय जगत के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।